नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए। अफगानिस्तान में तालिबान ने 22 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है तालिबान से लड़ते हुए। अफगानिस्तान बॉर्डर पुलिस के करीब 100 जवान घिर गए थे और ऐसी स्थिति में उन्होंने पड़ोसी देश तुर्कमेनिस्तान में घुसने का प्रयास किया था। उन्हें वहां एंट्री नहीं मिल पाई और तालिबान ने उनमें से 22 सैनिकों का कत्ल कर दिया। कुछ रिपोर्ट्स में 50 के करीब सैनिकों को अगवा करने की बात भी कही जा रही है। लगभग हर दिन आतंकियों के निशाने पर रहने वाली अफगानिस्तानी सेना के लिए यह बड़ा झटका है। खबर के मुताबिक अफगानिस्तान के पश्चिमी प्रांत बादगीस में आतंकियों से लड़ाई के दौरान बॉर्डर पुलिस के जवान गिर गए थे, जिसके चलते उन्होंने सरेंडर कर दिया। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्रालय के तहत आने वाली बॉर्डर पुलिस के करीब 100 जवान अपनी चौकियों को छोड़कर भाग रहे थे। उन्होंने पड़ोसी देश तुर्कमेनिस्तान में घुसने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें ऐसा करने से रोक दिया गया। इसके बाद 50 जवानों ने तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया। सरकार ने 50 जवानों के सरेंडर की बात कही है, लेकिन तालिबान का दावा है कि उसके समक्ष 90 पुलिसकर्मियों ने सरेंडर किया है। तालिबान ने ट्विटर पर सरेंडर करने वाले पुलिसकर्मियों की तस्वीरें भी जारी की हैं। तालिबान ने कुछ पुलिसकर्मियों की मौत की भी बात कही है। हालांकि अब भी यह स्पष्ट नहीं है कि तालिबान से जंग में कितने जवानों की मौत हुई है या फिर कितने आतंकी ढेर हुए हैं।